बिहार के भागलपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक 3 मंजिला इमारत में ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 2 महिलाएं भी हैं। हादसे में 9 लोगों के जख्मी होने की खबर है। पड़ोसियों का आरोप है कि मकान में बम बनाए जाते थे। हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। भागलपुर जिले के तातारपुर पुलिस थाना क्षेत्र में यह धमाका हुआ। इस घटना में 2 से 3 घरों को नुकसान पहुंचा है। जिस बिल्डिंग में यह धमाका हुआ वो कोतवाली से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर थी। आशंका जताई जा रही है कि बम विस्फोट की वजह से धमाका हुआ। धमाके में 3 मंजिला इमारत ढह गई। घटना के बाद मौके पर पुलिस के अफसर भी पहुंच गए। जमीनदोज हुए मकान के मलबे को हटाया जा रहा है। मलबे में और भी लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, बिहार के भागलपुर में धमाके से हुई जनहानि की खबर पीड़ा देने वाली है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। घटना से जुड़े हालातों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात हुई है। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है और पीड़ितों को हर संभव सहायता दी जा रही है। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। भागलपुर DIG सुजीत कुमार ने कहा, शुरुआती जांच में बारूद और अवैध पटाखा व देसी बम से धमाके की बात सामने आई है। उन्होंने कहा, FSL की टीम की जांच के बाद तय होगा कि ब्लास्ट किस वजह से हुआ है। घायलों का भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज चल रहा है। मकान के मलबे में और भी लापता लोगों की तलाश की जा रही है। धमाका इतनी तेजी से था कि कई किलोमीटर तक इसकी आवाज़ सुनाई थी और लोगों ने हल्के झटके महसूस किए। पड़ोसियों का कहना है कि शुरुआत में सिलेंडर फटने जैसी तेज आवाज आई, लेकिन थोड़ी देर बाद स्थिति साफ हो गई। ब्लास्ट में 2 से 3 मकानों को नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि जहां पर धमाका हुआ वहां बारूद का काम होता था। अवैध देसी बम भी बनाए जाते थे। आतिशबाजी की आड़ में यह कारोबार चल रहा था। हालांकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि धमाके से कई घरों की खिड़कियों के शीशे भी टूटकर गिर गए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।